रोना बंद कर। चुपचाप चल। नहीं जाने मुझे। रोना बंद मत कर। ऐसे रोना बंद करके। जी। नहीं जाने मुझे। रोने का नहीं हाँ। आपकी बेटी है? आप बेटी है? बहुत प्यारी बेटी है, लगता है पापा पे गई है। मुझे प्यास लगी है। एक घूटी पीना, पूरा खत्म मत करना, ठीक है? लग रहा तेरे को सिर्फ एक घूट पीने का, समझ में नहीं आता तेरे को? पानी खत्म कर दिया, चल। ये 902 वाली को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हर बार यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ फटका मार। अरे इतना ही टाइम है ये सब देखने का, तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती है? कुछ भी हो, खाना बहुत सॉलिड बनाती है 902 वाली। अरे उसकी छोकरी खाने में बहुत किट-किट करती है। सॉरी सर, मैं आज भी नहीं आ पाऊंगी ऑफिस। अब एक्चुअली सर, वो बच्चे को संभालने वाली आया है ना, एक हफ्ते से छुट्टी पर है। श्योर सर। ओके ओके सर। कीर्ति, इतना सा खाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? लो, कब से पड़ा है, खाती क्यों नहीं? ये कौन आ गया? क्या हुआ मुन्नी, अब क्या भूल गई तुम? कुछ नहीं मैडम, आपको बेबी के लिए आया चाहिए थी ना, अब ये देखिए मैडम। अब माया। नमस्ते मैडम। मैं जानती हूँ मैडम, मेरे गांव की है, बहुत अच्छी है। तुम भी बिरसा गांव से हो? मतलब तुम भी बिरसा से हो क्या? हाँ, मैं तो वहीं से हूँ। अरे वाह, अब आना, बैठ बैठ। अच्छा चल चल, थोड़ा सा रख, आ जा बेटा, बैठ। नहीं मिला, ये मेरे गांव से है। अरे तुम्हें मुखिया जी के घर के पास वाला तालाब याद है? हाँ हाँ, क्यों याद नहीं होगा, अरे पूरा गांव तो उधर ही आता है। मेरा घर तो तालाब के पास ही है, वो सरपंच है ना, उनके घर के पीछे। अरे वाह, तुम तो बड़े ही जान पहचान की निकली। किसका बच्चा संभालती थी पहले? वो पहले मैं किसी का बच्चा नहीं संभाला मैडम जी। ये क्या, छोड़ो फिर, जाने दो मुन्नी, कोई और होगी तो बताना। लेकिन मैडम जी, मैंने अपना बच्चा तो पाला है, माझी मिल गया है। हाँ मैडम, मेरे गांव के, देखिए ना, तभी तो सच बोल रही है कि किसी का बच्चा नहीं संभाला। रहती कहाँ हो तुम, और इसके पापा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो अपने मामा के पास नावपाड़ा में रहती थी। अभी 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मेरा मर्द ऑफ हो गया। ओ सॉरी। मीना रोड की क्या पोजीशन है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी? यस सर, इनफैक्ट रात को ही सबकी डबल शिफ्ट करवा दी। गुड, लेकिन सबसे कहो चौकन्ने रहें। सर हेलो, क्या सर, वेंदर खाड़ी के पास एक लाश मिली है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? हाँ सर। सर ये देखिए, गले पे गहरा निशान है,
मतलब किसी शार्प हथियार से काटा गया। फोन किसने किया था? मैंने ही फोन किया था साहब। कुछ मछुआरे यहाँ पर जाल डाल रहे थे साहब, उन्हें लगा कोई भारी चीज फंसी हुई है, बाहर निकाल कर देखा तो लाश मिली। हमने 100 नंबर पर कॉल कर दिया साहब। मुझे लगता है इसे मारकर लाश को यहाँ ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। इट माइट बी अ प्री प्लान्ड मर्डर। सर ये देखिए, खून बिल्कुल ताजा है, मतलब इस लड़की का खून रिसेंटली हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर दलवी कुछ मिला? नो सर, आइडेंटिफाई करने के लिए तो कुछ भी हाथ नहीं लगाया। सर लगता ही नहीं है कि लाश को यहाँ घसीट के लाया गया होगा, क्योंकि ना ही कोई ब्लड मास मिले है और ना ही कुछ और। तो फिर बॉडी को इतनी दूर तक लाया कैसे गया होगा? कंधे पर उठा कर लाना तो पॉसिबल लगता नहीं है, जरूर किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। चेक करो कोई फुटप्रिंट या टायर प्रिंट मिलता है क्या, और ये पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, शायद मर्डर करने वाले का कुछ सामान मिल जाए। जिस शार्प ऑब्जेक्ट से उसे मारा गया है, हो सकता है वेपन यहीं कहीं फेंका गया हो। ऐसा मुंबई के उपनगर मीरा रोड में नाले से मिली एक महिला की लाश ने सनसनी मचा दी। आखिर कौन है ये महिला, कहां से आई है, किसने इसकी हत्या की और इसकी हत्या के पीछे वजह क्या है? दूसरी तरफ पुणे शहर में एक रहस्यमय महिला माया को प्राजक्ता ने अपने घर में नौकरी दी। माया की बेटी परी और प्राजक्ता की बेटी कीर्ति के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस दोस्ती का अंत मासूम कीर्ति की दर्दनाक मौत से होगा। ले मिलो बेबी। थैंक गॉड ये मुन्नी ने ना अपने गांव की औरत को काम पे रख दिया, वरना अगर मैं ऑफिस से थोड़ी सी और छुट्टी लेती ना तो मेरी छुट्टी हो जाती थी। सब तो ठीक है, लेकिन उसके पुलिस वेरिफिकेशन का क्या हुआ? मांगे हैं पेपर्स दे देगी, और डरने की कोई बात नहीं है, मुन्नी के गांव की है, वो जानती है इसे। हाँ बट ध्यान से ले लेना ठीक है। वैसे अरविंद इसकी बच्ची कितनी प्यारी है ना, लगता ही नहीं कि इसकी बेटी है। उसके पापा पे शायद गई होगी। अरविंद मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ड्रॉप करना है तुमने, चलो 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 फास्ट देन। माया अच्छा माया सुनो, इसकी ना छुट्टियां हैं तो इसको होमवर्क करने के लिए बोल देना, और शाम के पहले पहले नहला देना, बाद में नहाएगी तो सर्दी हो जाएगी। हाँ फास्ट नहीं तो लेट रहेंगे। अरे बेबी आओ मम्मा को किस ने नो नीचे नीचे। ओ आई लव बेबी। बाय बाय। चलो चलो जल्दी। मेरे पास एक गुड़िया है। मेरे पास भी एक गुड़िया थी। वो कहाँ है? ए, क्या मचमच कर रही है? हा? चला लोकर। आज तो बहुत थक गए रे। ये झाड़ू कटके का भी काम कितना बोरिंग है रे। अब सुनना, एक कप चाय बनाना, मेरा तो पूरा बदन टूट रहा है रे। ठीक है एक काम करना, कल आके मुझे मिलना। उस लड़की की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है सर, उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच में थी और उसे मरे हुए 20 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सर एक और बात, उस लड़की को टर्मिनल कैंसर था। टर्मिनल कैंसर? फिर तो वो लड़की पहले से मौत के मुंह में थी, फिर उसे क्यों मारा गया होगा? कोई मिसिंग कंप्लेंट? सर मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो भिजवाई पर कहीं भी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। सरप्राइजिंग, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की कहीं बाहर से आई हो। लेकिन फिर भी सोनाली, एक जवान लड़की को घर से गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और फिर भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। एनीवेज तुम इसकी इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क में डालो। सर एक और बात, सर उस लड़की को बहुत ही सीरियस बीमारी थी, वो उसका कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट करवा रही होगी। गुड आइडिया, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं, छोटे मोटे क्लिनिक्स जितने भी हैं सब खंगालना। यू आर राइट, हमें उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। प्राइवेट क्लिनिक्स में पता किया पर उस लड़की की मेडिकल हिस्ट्री कहीं से भी नहीं मिली। मे बी वो लड़की मेरा भाईंदर की हो ही ना, बल्कि खूनी ने उसे किसी दूसरे इलाके से यहाँ लाकर ठिकाने लगाया हो। सोनाली उस लड़की की फोटो महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। सर
गॉड फिर से लेट हो गई। मामा आंटी ने अच्छी चोटी बनाई है ना। अरे वाह मेरा बेबी बहुत क्यूट लग रहा है, आंटी को थैंक्स बोलो। अरे यार प्राजक्ता ये मेरी टाई नहीं बन रही है, इसे प्लीज बना दो ना यार। क्या तुम प्लीज 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 माया वो तुम वेरिफिकेशन के पेपर्स देने वाली थी ना, वो लेके आना जरा। सर उस लड़की की अभी तक कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है। हेलो क्या सर, कोंकणा पाड़ा के जंगल के पास एक औरत की लाश मिली है। सर मैं तो यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था, दूर से देखा तो धुआं उड़ रहा था, मैंने यहाँ आकर देखा तो ये आधी जली हुई लाश थी। मैंने आप लोगों को फौरन फोन किया सर। सर बॉडी का 70% हिस्सा जल चुका है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर माया मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो। माया जल्दी। प्राजक्ता मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं जा रहा हूँ। ओके ये तुम सारी औरतें ना हमेशा ऐसे करती हो। ओ हेलो। व्हाट हेलो? सारी औरतें कमाल है। माया आई आई मीन सर। माया लेट हो रही हूँ मैं, क्या कर रही हो, जल्दी आओ। माया जल्दी दो, मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी, पेपर पूरे हैं ना। चलो ठीक है मैं इनको दे दूंगी। हाँ बाय बेबी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सर इस औरत की उम्र 30 साल है, बॉडी मिलने से 15 घंटे पहले इसकी मौत हो चुकी है सर, और मारने के बाद उसकी बॉडी को वहां लाया गया और फिर जला दिया गया। सोनाली इस औरत की मौत भी गला कटने से हुई है। सर एक और खास बात सामने आई है, इस औरत को भी कैंसर था। दो खून, दोनों को मारने का मेथड सेम, और दोनों की लाशों को शहर के ऐसे सुनसान इलाकों में ठिकाने लगाया गया जिनकी आपस में दूरी 20 किलोमीटर से भी कम है, और दोनों की दोनों कैंसर पेशेंट्स। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि दोनों को मारने वाला एक ही सीरियल किलर है? एग्जैक्टली लेकिन जो लोग पहले से मौत के मुंह में हो उन्हें मारकर किसी को मिलेगा क्या? सर बड़ी अजीब बात है, सर दोनों की कोई भी मिसिंग कंप्लेन नहीं है, क्या इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है या फिर मामला कुछ और है? ये मामला जो भी है संगीन है, और ये खून किसी भी वक्त हुए हो, मारने वाला लाशों को रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर ठिकाने लगा रहा है। यस सर, और मारने वाले की प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग थी, उसे पता था कि बॉम्बे जैसे शहर में लोग 1-2 बजे तक नहीं सोते हैं, इसलिए उसने रात का वक्त और ऐसी जगह चूज की जहाँ कोई रिस्क ना लगे। सोनाली मुझे लगता है हमें दोनों जगह फिर से एक बार पूछताछ करनी चाहिए, शायद किसी ने किलर को वहाँ आते जाते देखा हो। उन एरियाज में जो वॉचमैन नाइट ड्यूटी करते हैं उनसे एक बार पूछताछ करो, मुझे लगता है कोई ना कोई लीड हासिल होगी। सर मैं विक्टिम की डिटेल्स न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर में भी शेयर करवा देती हूँ, डिटेल्स के साथ उनकी फोटोग्राफ भी शेयर करवा देती हूँ। गुड आइडिया सर। युति बेबी ये लो आपका दूध। लो लो अच्छी बच्ची। हाँ हेलो। हाँ हाँ इस वक्त की बड़ी खबर, मीरा रोड और भाईंदर इलाके में दो अज्ञात लाशें मिली हैं। दोनों ही लाशें महिलाओं की है। संदिग्ध हालत में पुलिस को गोड़बंदर की खाड़ी के पास से लाश मिली, पुलिस तफ्तीश कर रही है, और पुलिस को लाश भी दिन में मिलती है यानी कि रात के वक्त कोई इन्हें फेंक के चला जाता है और किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। आप लोगों से हमारा ये एक निवेदन है कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो, आपने किसी को देखा हो या कोई भी ऐसी जानकारी। दिमागी रूप से बीमार वृद्ध महिला, डॉक्टर का कहना है। अरे चेंज क्यों कर दिया, मैं देख रही थी ना न्यूज। वो मैडम जी वो
कीर्ति बेबी दूध पी रही थी ना, इसलिए बदल दिया। एक के बाद एक दो ही दिनों में दो लाशें मिलने से पुलिस सकते में थी। उन्हें अब तक पता नहीं चल पाया था कि ये महिलाएं कौन हैं, और ना ही वो ये समझ पाए थे कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उनके परिवार वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई थी। हत्या करने वाला बड़ी चालाकी से अपना काम कर गया था। उसने आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ा था। आखिर कौन थी ये दोनों, और जो खुद मौत की दहलीज पर खड़ा हो उसे मार कर किसी को क्या फायदा हो सकता है। इस केस में पुलिस एक ऐसी अंधेरी गली में खड़ी थी जहां से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। और ये माया कौन है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? पुणे शहर में माया और मुंबई के उपनगर मीरा रोड में मिल रही लाशों के बीच क्या कोई कनेक्शन है, और अगर है तो वो क्या है? कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। ओए, जी सलाम साहब। तू यही रहता है? जी साहब, यही अपना ठिकाना है साहब। एक बात बता, पिछले कुछ दिनों में देर रात किसी गाड़ी को इस रास्ते से आते जाते देखा? हाँ साहब, रात को एक ऑटो रिक्शा जंगल की तरफ जा रहा था। ऑटो रिक्शा? हाँ। वारदात की जगह से और कुछ मिला? सर, एक गाड़ी के निशान के अलावा कुछ और नहीं मिला, वो भी थ्री व्हीलर। कितने बजे? करीब 3-4 बजे की बात है साहब। पूरा सन्नाटा था साहब। रात को एक ऑटो रिक्शा की आवाज आई, तब मैं उठा। और उसमें से एक आदमी निकला और वहीं पेशाब किया साहब। ऑटो का नंबर याद है? नहीं साहब, अंधेरा बहुत था, दिखाई नहीं दिया। उस आदमी को पहचान सकता है? थोड़ा देखा था साहब, कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, कौन सा ऑटो था? सामान ढोने वाला या फिर सवारी ढोने वाला? ऑटो रिक्शा सवारी ढोने वाला था, काला पीला था साहब। आजा मेरा राजा बेटा, आजा 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 आजा। सूरज उठ जाओ, उठ जाओ, टाइगर है ना, टाइगर। सूरज सूरज बेटा खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, संभल के संभल के। आजा आजा मेरा बच्चा, आजा 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 मेरा बेटा। सोनाली, मीरा रोड में टोल नाका क्रॉस करके आना पड़ता है। अब कोई डेड बॉडी लेके तो टोल नाका क्रॉस करेगा नहीं। आई एम श्योर ये मर्डर मीरा रोड में ही हुआ है। यस सर, और उस आदमी ने किसी ऑटो वाले को वहां आते हुए भी देखा था। एक काम करते हैं, मीरा रोड के सभी ऑटो वालों को राउंड अप करते हैं। आई नो काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आजा 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 आजा। बाबा गाड़ी लेके जाएगा मेरे गाड़ी में। गप गप करके गाओ, गप गप करके। आज रात को फिर से देर से जाओगे क्या? इतनी रात को करते क्या हो जाकर? वैसे कितनी बार बोला अपने काम से काम रखा कर, मेरे काम पे ध्यान मत दिया कर।
बोलो 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 आई सब पर सब कर दिया एकदम चकाचक। हाँ और चाय भी तैयार है। अरे वाह चाय। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। तो 12 साल हो गए गाँव ही नहीं गई। और तू? मेरे को भी बहुत साल हो गए मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। ये रही मीरा रोड में ऑटो चलाने वालों की लिस्ट। सर इनमें उन सब की भी डिटेल्स है जिन्होंने मुंबई और थाने दोनों शहर में ऑटो चलाने का परमिट ले रखा है। गुड जॉब सोनाली। लेकिन हमारे पास ये एक ही लीड है और इतने सारे नामों में से हमें वो एक नाम ढूंढना है। आई नो ये काम रेत के टीले में से सुई ढूंढने के बराबर है लेकिन दो दो मर्डर्स हुए हैं और हमें कातिल का पता लगाना ही है। ये बर्तन खाली था हमने नहीं गिराया। लाश को ठिकाने लगाने में मिली एक हल्की सी लीड से पुलिस ने मीरा भयंदर के हजारों ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की कुंडली खंगाल डाली। कामयाबी अब भी हाथ नहीं लगी थी लेकिन कोशिशें लगातार जारी थी। रो रही है तू? मैंने तुझ पर चिल्लाया ना मैंने तेरे को मारा ना तो ये ले। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा। माया ताई बहुत गुस्सा करती है पति पे। अरे बाबा इधर आओ मम्मा के पास बैठो। अब भी बताओ क्यों गुस्सा करती है? आइसक्रीम खाने के लिए। अरे तो बड़ी अच्छी बात है आइसक्रीम खाने से दांत छड़ जाते हैं है ना? पर माया ताई हमेशा ऐसा करती हैं। परी से गुस्से से बात करती हैं उस पे चिल्लाती हैं। अच्छा सुनो वो तुमने पेपर ले लिए माया से वेरिफिकेशन के लिए? और मैंने सुबह ही ले लिया तुम्हें देना भूल गई। ओले मम्मा को थोड़ा सा काम करने दो मेरी जान। ये लो मैं कल इसे सुबह ही पुलिस स्टेशन देके आऊंगा वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा बाबा माफ कर दे मुझे आज के बाद मैं तेरे पे कभी गुस्सा नहीं होंगी ठीक है? और तू भी ना मेरे से बिना पूछे कुछ काम नहीं करेगी ठीक है? अरे काय नाही काय मर्डर झालेला आहे पोलीस वाला सांगते रिक्षा वाल्यांच्या हात आहे काय माहित नाही पण सगळं रिक्षा वाल्याला परेशान केलेलं आहे कोई बोलता ये हुआ हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो इसका मगर सब रिक्षा के लोग को क्यों पीछे पड़ा है क्या मालूम? ए ए कुठे जातो हो सर इथे इथे गाडीचा वेरिफिकेशन करा। मी काय केलं? नाम काय तेरा? शंकर। तेरा नाम? सुजीत नाव आहे। लायसन्स है? हो आहे। चलो वेरिफिकेशन के लिए चलो। आओ काय केलं? अरे
क्या हुआ आंटी को? अरे पानी, पानी चक्कर है, चक्कर है, पानी बुलाओ यार। संभाल रखो, आराम से, आराम से संभालना। बसा बसा कोई पानी पिला दो, पानी पिला दो। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? अपनी मम्मी से डरती हो इसलिए? तुम्हारी मम्मी गुस्सा करेंगी इसलिए डरती हो? मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। क्या हुआ? तू तो रिक्शा चलाने गया था ना? अरे जल्दी सामान पैक कर गांव जाने। आ जा बेटा। क्या हुआ शंकर, तू कुछ झोल करके आया क्या? तेरा सवाल करना जरूरी है क्या? तेरे को बोला ना गांव जा रहे हैं, सामान पैक कर जल्दी। दोनों कहाँ चले गए? कहीं एक साथ परी कीर्ति। सामने आ? नहीं सर। सर ये देखिए, सारे ऑटो चलाने वालों की लिस्ट आ चुकी है पर कुछ भी हाथ नहीं आया। सर एक गड़बड़ है, मैं वो सारे चालकों की लिस्ट को टैली कर रहा था उसकी लिस्ट से, मगर सर ये चालक नंबर 17675 शंकर नाम का आदमी है। सर ये विजिट तो दे गया है थाने में, मगर अंदर वाली लिस्ट में इसके नाम के आगे कोई टिक नहीं है। मतलब सर इसे अब तक शिनाख्त करने वाले आदमी के सामने लाया ही नहीं गया। सोनाली सर मुझे आदमी झोलो लगता है, थाने में आगे निकल गया। आई थिंक ये वही ऑटो रिक्शा वाला है जिसकी हमें तलाश है। एड्रेस निकालो इसका। वही सर। ये शंकर कहाँ रहता है? आसपास पता करो कहाँ मिलेगा। वही सुनो। हाँ साहब। शंकर यहीं रहता है ना? हाँ साहब। तुम जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ साहब। कब से? ये कोई 2-3 महीने से आया सर इधर रहने को। अभी कहाँ है? अरे साहब मेरे को क्या मालूम किधर गया ताला लगा के। ठीक है तलवी। वही सर। ताला तोड़ो, लाइट ऑन करो, सर्च करो। तो यहाँ तो कुछ भी खास नहीं मिला। सर जो रिक्शा वो चलाता था MH04HN1898 वो भी गायब है। किधर जा रहे हैं? चुप करना, बोलो ना कहाँ जा रहे हैं। बाबा
क्या हुआ बेटा? तू चिंता मत कर, पापा साथ में ना। सर, शंकर ने जो ऑटो भाड़े में लिया था उसके ओनर ने बताया कि वो 2 महीने पहले उसे काम मांगने आया था। दिखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, इसलिए उसने अपना ऑटो उसे भाड़े में दे दिया। और अब वो ऑटो, शंकर और उसकी फैमिली सब गायब है। इस शंकर के फोन लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, देखें कहां छुप के बैठा है। सर, हाउसिंग सोसाइटी में जिस मेड का वेरिफिकेशन था वो फेक है। ये है उसका FIR और ये रहा सर रेड कॉलम में माया शिंदे। फिर तो इसके मालिक को फौरन इन्फॉर्म करना होगा। सर, शंकर का लास्ट लोकेशन गांव देवी के पास था, कोलीवाड़ा, मछुआरों की बस्ती। गांव देवी यानी कि शंकर के घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर। इतनी दूर शंकर क्या करने गया होगा? सर, शंकर के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं पे थी। चारों तरफ अच्छे से सर्च करो, क्विक। सर, देखने से तो इसकी उम्र 16-17 साल की लग रही है, और देखिए मारने का तरीका भी सेम है, शार्प हथियार से गला काटा गया है। सोनाली, हमारा प्राइम सस्पेक्ट शंकर ही है, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन यहीं की थी और ये बॉडी भी यहीं से मिली है। उसके गांव का एड्रेस है? सर, उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे सतारा का एड्रेस है, शायद वही उसके गांव का एड्रेस हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है हम उसके गांव होके आते हैं। मुझे लगता है शंकर यहां से वहीं भाग के गया होगा। सर, तीसरी लाश एक लड़के की मिली, क्या ये तीनों लाशें एक ही केस से जुड़ी हुई हैं? पुलिस की नजर में अब ऑटो चालक शंकर इस केस का मुख्य आरोपी था। लेकिन शंकर ये सब क्यों कर रहा था? क्या इस सब में वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? दूसरी तरफ पुलिस वेरिफिकेशन में माया का रिकॉर्ड बहुत खराब निकला था। क्या प्राजक्ता के घर वो किसी खास मकसद से आई थी? इस सीरियल किलिंग में उसकी क्या भूमिका थी, और बच्ची के साथ उसका रवैया कभी कठोर तो कभी नर्म क्यों था? ये दो अलग अलग कहानियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई थी? पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। कहीं कुछ ऐसा था जो अब भी उनकी नजरों के सामने आना बाकी था। माया, आज रात को ना शायद मैं लेट आऊंगी थोड़ा सा, तो कीर्ति को टाइम पे खाना खिला देना। और हाँ, माया। हाँ मैम साहब। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैंने अभी कुछ कहा तुमसे, सुना तुमने? मैं आज रात को लेट आऊंगी, इसको 8 बजे ओट्स बना के खिला देना और 9 बजे याद से सुला देना, समझ गई ना? मम्मा। हाँ बेटा। मुझे कुछ बात करनी है। ओले मेरा बच्चा, मम्मा भी लेट हो रही है ना, शाम को ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, खाना खा लेना और आंटी को परेशान मत करना, चलो चलो। कीर्ति बेबी, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए खाना बना के रखती हूँ, ठीक है? फिर आप आराम से खाना खा के टीवी देखते रहना, जब तक आपको नींद नहीं आए, ठीक है? और तू भी चुपचाप यहाँ बैठ कर टीवी देख, सब कुछ उल्टा उल्टा मत करना जिससे मेरे को गुस्सा आया, समझे ना? तो पटरी, समझ गई ना? सोनाली, शंकर का सतारा में कोई रिलेटिव भी है? सर, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती थी, पर अब कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। हेलो, ठीक है सर, उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बीमार तो वो भी था, पर उसे कैंसर नहीं, एड्स था।
ठीक उन्हीं दोनों औरतों की तरह मौत के इतने करीब होते हुए उसे भी मार दिया। मतलब सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, एक एड्स के पेशेंट को भी मारा गया। लेकिन क्यों सोनाली, आखिर इस किलर को इन पेशेंट से परेशानी क्या है? हेलो मिस्टर अरविंद, मैं शिवाजी नगर पुलिस थाने से PI इंगले बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपने अपनी मेड की वेरिफिकेशन के लिए जो डिटेल भेजी थी वो सारी फेक निकली। उसकी फोटोग्राफ हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो गई है। शी इज वांटेड। आप तुरंत घर पहुंचिए और उस पर निगरानी रखिए। लेकिन सर मेरी बच्ची तो भी घर पे अकेले है। हम अभी उसे अरेस्ट करने आ रहे हैं। ठीक है सर। हेलो क्या हुआ, कैसे हुए, किसकी बच्ची है? क्या हुआ भाई, एक सेकंड क्या हो गया? कीर्ति, अरे छोड़ो ना, मेरी बच्ची है वो। कीर्ति संभालिए अपने आप को। सर वो मेरी बच्ची है। कीर्ति 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 अरविंद क्या हो गया अरविंद, बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। एक पुलिस केस। गायकवाड़। यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ। सर। माया को आप लोगों के घर पे कौन लेकर आया था? मुन्नी लेके आई थी। मुन्नी? ये मुन्नी कौन है? दूसरी भेंट थी हमारी। अरविंद जी, माया अपना सामान इसी घर में रखती थी? जी सर, वो अपना सारा सामान यहीं रखती थी। पर हमने तो वो है ना ही हमारे घर की खुशियां। बच्चे को मारने के बाद डर की वजह से अपना सामान लेकर भाग गई होगी। गायकवाड़। सर। अपने नेटवर्क पे अलर्ट जारी करवा दो, इससे पहले कि माया कोई नया खेल खेले उसे किसी भी कीमत पे पकड़ना जरूरी है। न जाने उसका अगला शिकार अब कौन होगा। तुम? मैं नहीं आया। आओ। पहले दो महिलाएं फिर एक लड़के के साथ साथ अब एक मासूम बच्ची की जान भी जा चुकी थी। इन सब का आपस में क्या कनेक्शन था? माया की कहानी उन बीमार लोगों की हत्याओं से कैसे जुड़ी थी? दो अलग अलग पुलिस टीम्स दो अलग अलग केसेस पर काम कर रही थी, लेकिन क्या इन टीम्स की मंजिल एक ही थी? क्या परी सच में माया की ही बेटी थी? माया ने कीर्ति को क्यों मारा? शंकर जो खुद अपने बेटे से इतना प्यार करता था वो इन सब के बीच क्या कर रहा था? ये शंकर पलांडे का घर कौन सा है? आगे से 3 नंबर का घर है सर। शंकर पलांडे यहीं रहता है? काय झाला साहेब? सुन को बेटा, क्या कर रहा है? साहब ये शंकर की बीवी। शंकर कहाँ है? पता नहीं साहब, हम लोगों को यहाँ छोड़कर गया। देखिए हमें शक है कि उसने खून किया है। खून? वो भी एक नहीं 3-3। अगर कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए, इसमें शंकर की भलाई है। क्या कर रहा है बेटा? रुक ना बेटा, तुरंत। शंकर जैसा बाप
जिसका अपना बेटा मानसिक रूप से बीमार था, क्या वो इन मासूम लाचार बीमार लोगों की हत्या कर सकता था? क्या शंकर और माया का आपस में कोई कनेक्शन था? मुंबई में शंकर और पुणे में माया की कहानी आखिर कैसे जुड़ी हुई थी? साहब, मैं आपको सब सच सच बताऊंगी। साहब, मैं माया से पहली बार सोसाइटी में खाना खाते हुए मिली थी। साहब, उसने मेरे को बोला वो बिरसा गांव से है। तुम भी बिरसा से हो क्या? हाँ, मैं तो वहीं से हूँ। उसको काम की जरूरत थी साहब, तो मैंने पराजक्ता मैडम के घर लगा दिया। साहब, मैं तो साहब सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। मदद? माया बिरसा में नहीं, लोनी में रहती थी। क्या तुझसे कभी बिरसा में मिली? नहीं साहब। तो फिर ऐसा कैसे भरोसा कर लिया? साहब, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी, उसे देख के कोई सोच ही नहीं सकता था साहब कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन हाँ साहब, उसको देख के कभी कभी लगता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं कई बार सोची साहब उसको पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा साहब ऐसी छोटी मोटी चिंता तो हम सभी को होती है ना साहब। तेरी एक गलती की वजह से प्राजक्ता की बच्ची की जान चली गई। ले जाओ सर। सर, पहले वो सिर्फ चोरी करती थी, अब वो क्रिमिनल है। उसने एक मासूम बच्ची का कत्ल किया है। गायकवाड़ अरविंद और उसकी वाइफ ने ये बात भी नोटिस की होगी कि माया अपनी बच्ची पे कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही है। मुझे तो शक है कि ये बच्ची माया की थी भी या नहीं। शायद वो सीधे अपने गांव भाग गई हो सकता है। चलो उसके गांव चलते हैं, मिल गए तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो कोई ना कोई उसके खिलाफ ठोस सबूत तो जरूर मिलेगा। आशु बाबा, लो जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो मम्मा उससे गुस्सा करेंगे। लो खा लो, खा लो। अच्छा भाई। माया जी नहीं सर, अंशु को खाना खिला के उसे सुला देना, मैं शाम तक आऊंगी, ठीक है? लो खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, 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 लो। तुम ना भी एक काम करो, ये सब छोड़ो, तुम ना खुद खा लो, ठीक है? लो खाओ। मुझे एक नई फ्रॉक चाहिए, ये फट गई। एक तरफ मुंबई के उपनगर मीरा रोड की पुलिस ने इस बेहद पेचीदा और उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए अपनी तहकीकात का दायरा मुंबई से सतारा तक फैला दिया था। ध्यान से देखो इन्हें, पहचानती हो? मैं नहीं जानती साहब, मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। तो शंकर ने इनका खून क्यों किया? ये झूठ है साहब, शंकर कभी किसी का खून नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो तुम लोगों को लेकर मुंबई से भागा क्यों, और तुम्हें यहाँ छोड़कर यहाँ से क्यों भागा? भागता वही है रेनू जो सच से छुपना चाहता है, और सच यही है कि शंकर कातिल है, उसने खून किए हैं। आप कुछ भी कहिए साहब, पर मैं एक ही बात कहूंगी, मैं शंकर को सालों से जानती हूँ, और इन सालों में इतना तो जान ही चुकी हूँ कि वो कभी किसी का खून नहीं कर सकता। सोनाली, मुझे लगता है कुछ छुपा रही है, या फिर शंकर ने अपने परिवार से कुछ छुपाया है। What do you think? सर, हो भी सकता है और नहीं भी। सर, मैंने शंकर के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, पर सब नॉर्मल है। लेकिन सर, जब से वो भागा है तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। लेकिन ये मर्डर शंकर ने किए क्यों? क्या मोटिव हो सकता है? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्कैम हो। स्कैम? बीमार लोग ही क्यों? सर, ये भी हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई वजह हो, और जब उनका मकसद पूरा हो गया हो तो उन्होंने एक एक करके सबको मार डाला। सोनाली, अगर ये कुछ स्कैम है तो शंकर इसमें अकेला इन्वॉल्व नहीं होगा, और लोग भी होंगे। लेकिन मुझे ये ऑर्गन स्कैम लगता नहीं, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स मिले उनका कोई बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं था। सर, इन सब सवालों के जवाब तो सिर्फ शंकर दे सकता है। शिंदे, अपनी एक टीम के साथ शंकर के परिवार पर 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि उसने अपने परिवार को मुंबई से यहाँ शिफ्ट करके उनकी सिक्योरिटी को एश्योर किया है। इसका मतलब है वो उनसे बहुत प्यार करता है, और अगर ऐसा है तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। गायकवाड़ सर, सब जगह अच्छी तरह से पूछताछ करो।
दूसरी तरफ पुणे पुलिस ने इसी केस के दूसरे सिरे को सुलझाने में पुणे से लोनी तक हर सुराग का पीछा किया था। दिन रात एक करने के बाद भी कई चुनौतियां, कई सवाल चट्टान की तरह सर उठाए खड़े थे। अपन पुलिस, आपको गलतफहमी हुई है, हमें माया लाहौलखत नहीं। और परी, माया के बच्चे को भी नहीं जानते? माया का आप लोगों से क्या रिश्ता है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल तो हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें अभी तक पता नहीं। साहब, अब हमारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। बहुत साल हुए उसने हम सब की नाक कटवा दी और अपने यार के साथ भाग गई। तब से हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। माया किसके साथ भागी? वो सब हमें नहीं पता। आप जाकर उसके घर वालों से पूछिए, उनको ज्यादा पता होगा। संस्कार तो उन्हीं लोगों ने दिए थे ना। और साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, सालों बाद हम उस हादसे को भूल पाए हैं। भगवान के लिए आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, बड़ी मुश्किल से तो अभी इसका घर बसा है। घर अगर गुनाहों की बुनियाद पर खड़ा किया जाए तो अपने आप ही ढह जाता है। रही बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की, तो एक बात याद रखिए, सच्चाई कभी दफन नहीं होती। राम राम सर। रमेश, ओए तुमची मुलगी होती ना माया, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी। सर, खबरी बबन का फोन था, उसने कल रात को शंकर को मीरा रोड के पास देखा। उसने उसका पीछा किया पर शंकर को उस पर शक हो गया और वहां से भाग गया, अपने ही चौल के एरिया में पाया गया। ये जानते हुए भी कि हम उसके पीछे हैं, वो वहां आने का रिस्क लेता है, इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद होगा। काश्मीर चलो फौरन। सर, हेलो, क्या सर? ये तो शंकर है सर, ये देखिए, इसे भी गले पे ही काटा गया है, वो भी किसी शार्प हथियार के साथ। अगर इस खेल का शिकार शंकर ही हो गया तो फिर शिकारी कौन है? आसपास सर्च करो। माया कैसी है तो हमें पता नहीं। हाँ, एक खून के केस में हमें उसकी तलाश है। खून? हाँ, एक 5 साल की बच्ची का खून का इल्जाम है उसके सर पर, और भी बहुत से कई पुलिस थानों में उसके खिलाफ चोरी के केस दर्ज हैं। नहीं सर, नहीं, मेरी पुरी ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, माया अपने ससुराल से क्यों भागी थी? मेरी बेटी भागी नहीं थी, उन्होंने उसको निकाला था जो उन्हें पता चला कि वो उसको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? उसको वो क्या बोलते हैं, HIV था साहब। अच्छा, ठंड तो नहीं थी जो सर्दी से हो गया? ये बीमारी तो वो सब करने से होती है, इतना तो पता है हमें भी। गलत पता है, ऐसा नहीं है कि बीमारी किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से हो जाती, बल्कि ऐसे किसी इंसान से भी जो HIV पॉजिटिव हो और जिसके इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए या फिर HIV इंफेक्टेड ब्लड को दूसरे व्यक्ति पे चढ़ा दिया जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। मुझे नहीं पता साहब कि उसे ये बीमारी कैसे लगी। उसको उसके पति को बेटा चाहिए था, इसलिए वो उसे शहर ले गया पता करने पेट के अंदर बेटा है या बेटी है। तो वहां उसको पता चला कि उसको ये बीमारी है। उसके बाद भी वो उसे घर से नहीं निकालते, उन्हें पता चला कि माया के पेट में बेटी है तो। अरे चल बाहर निकाल, अरे चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल 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 बाहर, चल यहाँ से, चल बाहर यहाँ से। ओ ओ ओ चल, ऐसा मत कर, गाँव में बदनामी होगी, मेरी दो बच्चियों के साथ कौन शादी करेगा? तेरे बच्चियों की शादी का ठेका नहीं ले रखा मैंने, लेके जा इसको, चल चल चल, और जाके ना अपनी बेटियों की जांच करवा लेना, कहीं उनको भी ऐसी बीमारी ना हो। अरे गंदे लोग कहीं के, चलो यहाँ चल। उसके बाद में उसे अपने घर ले आया, पर ये बूढ़ा उसके लिए कितना क्या करता, आप सब आप तो देख ही रहे ना कि मेरी हालत क्या है। हे राम प्रभु रे, रेखा, हे बोरी, माया, हे बेटी, तेरा बाप, अब
बूढ़ा हो गया है ये, तू पहले जैसा उसको मेरी काम नहीं करता। ये दिन भर मेहनत करके ये मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि उसका बच्चा यहाँ पैदा हो सके, शायद इसलिए वो हॉस्पिटल चली गई और फुटपाथ पर रहने लगी। वो पैसा नहीं होने के कारण हॉस्पिटल वालों ने उसको अंदर नहीं ले लिया, मजबूरन उसने फुटपाथ को ही अपना घर और अस्पताल बना दिया। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती, माना वो बीमार रही लेकिन उसके पेट में तो आप लोगों के खानदान के बच्चा पल रहा था ना, जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत थी उस वक्त आप लोगों ने उसे निकाल दिया। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये हम सोचेंगे, आप हमारे पारिवारिक मामलों में सलाह क्यों दे रहे हैं? सलाह तो क्राइम करने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए था कि बच्चा जन्म होने से पहले लिंग की जांच करवाना कि लड़का है लड़की ये कानूनी जुर्म है, और ये जुर्म आप दोनों ने किया। गायकवाड़ ले चलो दोनों को। हमने कुछ नहीं किया। अरे हमारी बात तो सुनिए यार, मैंने किया क्या है? फिर डिलीवरी के बाद क्या है? उसके बाद वो साहब रघु से मिले। रघु? चलो मान लेते हैं कि शंकर कातिल नहीं था, पर हो सकता है कि वो कातिल को जानता हो या फिर उसके साथ काम करता हो। किसके साथ काम करता था शंकर? देखो शंकर तो अब रहा नहीं, तो किसे बचाने की कोशिश कर रही हो? जिसने शंकर को मारा वो तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी मदद करो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। साहब उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है तुम जा सकती हो। सर एक और डेड एंड, पता नहीं इस केस की सही दिशा किस मोड़ पर आएगी। मुझे लगता है सोनाली कि वो मोड़ ये रेनू ही है, ये अभी भी कुछ छुपा रही है। शंकर की मौत ने इस केस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां ना तो मुजरिम का कोई सुराग था और ना ही उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हाथ लगी थी। शायद शंकर जानता था कि इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। पुलिस को शक था कि शंकर की पत्नी उनसे कुछ छिपा रही है। अब भी इस केस में ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मिलना मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस के लिए अंधेरी गुफा में मशाल का काम किया। सर माया यही हॉस्पिटल के बाहर होमलेस पेशेंट के साथ रहती थी और हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। हॉस्पिटल में सबको पता चल गया था कि उसे HIV हुआ है। औरत को अगर ये बीमारी हो जाए फिर तो बात आग की तरह फैल जाती है और फिर लोगों का नजरिया बदल जाता है। उससे तो ऐसे बर्ताव होता था जैसे मानो उसे HIV ना हुआ हो, वो तो वैश्यवृत्ति में उतर आई हो। इलाज छोड़िए सर, उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। अच्छा ये रघु और माया की क्या कहानी? हमें पता चला है कि रघु माया का प्रेमी था, उसे इसी हॉस्पिटल में मिला था और माया उसके साथ भाग गई। यहाँ मैंने किसी भी रघु नाम के आदमी को नहीं देखा और माया को मैंने किसी भी आदमी के साथ कभी नहीं देखा। साहब माया माझ्याशी कधीच खोटं बोलत नाही। उसने बताया कि वो उसे अस्पताल में मिला था, उसकी मदद करना चाहता था रघु। तो रिकॉर्ड के हिसाब से रघु नाम का आदमी यहाँ काम नहीं करता। ये रघु है कौन और माया से कैसे मिला? सर शायद प्रमिला जानती हो। प्रमिला? हाँ यहाँ क्लीनर है और माया की अच्छी फ्रेंड भी थी। ठीक है सर एक बात बोलूं, मुझे यकीन है माया किसी का खून नहीं कर सकती।
माया खुद की और अपनी बच्ची की बीमारी से परेशान थी और शायद इसी बीमारी के इलाज के लिए उसने हर जगह पैसे चोरी करना शुरू कर दिया और शायद कीर्ति ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और घबराकर उसने बच्ची को मार दिया और भाग गई। मेम सर, मैंने सोचा कि सर आपका कमरा साफ कर दो। आया है आया की तरह काम कर, घर की सफाई मत कर, चल जाए यहाँ से। आई बड़े काम करने वाली। सर, तीनों विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से तीनों का कोई भी इलाज नहीं चल रहा था और जो भी उन्हें बीमारियां थी उसे ठीक करने वाली एक भी दवा का ट्रेस नहीं मिला है। What? इन सब बीमारियों के तो मुफ्त सरकारी इलाज भी होते हैं। अगर वो विक्टिम्स गरीब भी थे तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते थे। सर, एक और बात सामने आई है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। सर, ये तीनों के तीनों विक्टिम्स एक दवा का इस्तेमाल करते थे। सर, ये बहुत ही हाई डोज पेन किलर है और नॉर्मली किसी भी मेडिकल शॉप पर नहीं मिलती है। तो ये इन तीनों विक्टिम्स को जोड़ने वाला एक और लिंक है। सर, इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड होगा जो कि चुपचाप बैठ के खेल खेल रहा है और अब बैठ के तमाशा भी देख रहा है। सर, जरूर उसने ही उन तीनों को दवा दी होगी। हाँ सोनाली, उस किलर ने जानबूझ के इन विक्टिम्स का कोई इलाज नहीं करवाया होगा और अपना मोटिव पूरा होने तक इनका भरपूर इस्तेमाल किया होगा। पर ऐसे विक्टिम्स का कोई क्या इस्तेमाल कर सकता है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन विक्टिम्स के घर वाले अभी तक कहाँ हैं। सर, इन सब सवालों के जवाब तो सिर्फ शंकर ही दे सकता था जिसकी अब मौत हो चुकी है। लेकिन शायद शंकर की बीवी के पास इन सवालों के जवाब होंगे। पर ऐसी कौन सी वजह है जो शंकर की मौत के बाद भी उसकी जबान पे ताला लगा हुआ है? मिला जी, आप कौन? पुलिस जी। साहेब, माया को जानती हूँ। उसे कैसे भूल सकती है मैं साहेब? मैंने तो उसकी मदद की और वो चोर निकली। चोर? क्या चुराया? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बता दे क्यों नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? चुप रहो, वो बिल्कुल ठीक है। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से हम उसका ध्यान रख सकते हैं। कहां से आया ये पैसा? सच उगलने का वक्त आ चुका है रेनू। अब अगर तुम नहीं बताओगी तो तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। बोलो। शंकर ने मुझे पैसों के बारे में बताया था, उसी ने छुपाए थे ये पैसे। उसे इन मर्डर्स के लिए पैसे देता कौन था? नहीं नहीं साहब, उसने कोई मर्डर नहीं किया। वो तो ये सब सूरज के लिए करता था, उसके इलाज के लिए। हमारे बाद उसका क्या होगा? बस दिन रात यही सोचा करता था। मैंने उसको बहुत मना किया साहब, पर वो माना नहीं। वो लोगों को मारता नहीं था। वो लोग तो पहले से ही मरे थे। क्या? हाँ साहब, वो तो बस लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने जाया करता था। एक बार फिर सोच लो। अच्छी तरह सोच लिया मैंने। अभी मैं जिंदा हूँ तो इसकी देखभाल हो भी रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई इसकी देखभाल भी नहीं करेगा। इसे इलाज की जरूरत है, उसके लिए पैसे चाहिए। मैं सारी जिंदगी अपने बेटों को इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। लेकिन शंकर, इस काम में बहुत खतरा है। अरे परवाह नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साहब, वो
वो सिर्फ 6 महीने से ही ये काम कर रहे थे। 6 महीने से? इसका मतलब और भी लाशें होंगी, उन्हें कहाँ ठिकाने लगाया? पता नहीं साहब। उसे ये सब करने के लिए पैसे देता कौन था? वो मेरे को बहुत प्यार करता था साहब, और उस चुड़ैल ने पता नहीं क्या जादू किया उस पर, उसे फंसा कर ले गई। इसको? रघु, रघु नाम था। रघु? कौन रघु? पता नहीं साहब, शंकर के साथ 2-4 बार देखा था उसको। मैं और रघु शादी बनाने वाले थे, पर पता नहीं उसने क्या जादू किया रघु पर, उस सड़क छाप एड्स वाली के साथ वो भाग गया। ये रघु कहाँ रहता? पता नहीं साहब, मुझे तो यहीं पर मिला था, और उसके बारे में मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ साहब, ना वो अपने बारे में कुछ बताता था मुझे। आज तकरीबन 3-4 साल हो गए होंगे उसे उस चुड़ैल के साथ भागे हुए। आपको हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठकर रघु का स्केच बनवाना होगा। हाँ साहब। रघु तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। सोनाली, ये तो वही है ना जो शंकर के घर के आसपास मिला था? हाँ सर, ये तो वही है। शंकर यहीं रहता है ना? हाँ सर। अभी कहाँ है? अरे साहब, मेरे को क्या मालूम किधर गया ताला लगा के। सोनाली, अपने खबरियों के नेटवर्क को अलर्ट करो, सबको ये फोटो भेजो क्विक। पुलिस को आखिरकार इन सारी हत्याओं के मास्टरमाइंड के बारे में रेनू से इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस को दोनों ही केसेस में अब सिर्फ एक ही नाम की तलाश थी, और वो था रघु दीक्षित। वो अब पुलिस की रडार पर था। आखिर रघु ने क्यों इतने बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया? क्या वजह थी कि वो पहले से ही बीमार लोगों को टारगेट करता और फिर उन्हें मार देता? पुलिस ने अब रघु पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। क्या माया के इन चोरियों में रघु भी उसके साथ देता था? नहीं, अगर ऐसा होता तो माया के साथ रघु को कभी ना कभी किसी ने जरूर देखा होता। ब्लैकआउट गए, ऐसा तो नहीं कि माया ने रघु को भी मार दिया? हो सकता है सर। ये तारा बन गया है ना, अभी तुम खुद करो ठीक है। अरे अंशु, पानी फैला दिया तूने। परी, जा जरा इसको साफ कर दे। परी रुक। मैडम, आपकी नौकरानी मैं, माझी मुलगी नहीं, तो काम मैं ही करूंगी, ये नहीं। बड़ी अकड़ आ गई है तेरे अंदर, तेरी औकात कुछ और है और तेरे तेवर कुछ और। चल साफ कर इसे, बोलना सीख गई है। रघु कहाँ रहता? दलवी, ताला तोड़। कोना कोना छान मारो। सर, ये रघु बहुत शार्प है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसके थ्रू हम उसे ट्रेस कर सके। सर, ये देखिए, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं। सर, ये तो वही मेडिसिन है। डॉक्टर दर्पण पाटिल। हाँ सर, रघु अक्सर मेरे पास आया करता था। उसका कहना था कि उसके माँ को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, उसके रिक्वेस्ट करने पे मैंने ये दवाइयाँ लिख के दी। आप पेशेंट को बिना देखे ही दवा लिख देते हैं? आपको पता है आपकी डिग्री जा सकती है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, और साथ ही साथ फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के चक्कर में आपको जेल भी हो सकती है। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो दिखने में एक शरीफ बंदा था, तभी मैंने उसकी हेल्प की। मैंने कई बार बोला कि उसकी माँ को यहाँ पे लेके आए, पर वो नहीं लेके आया। बाद में उसकी डिमांड बढ़ने लगी तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, वो दोबारा लौट के नहीं आया। सोनाली, आखिर ये रघु करना क्या चाहता है? हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है सर,
मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है। ही इज अ प्रोफेशनल क्रिमिनल। रिसेंटली उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आया है। गोरेगांव और वाशी पुलिस के पास उसके लीड्स हैं। तो इस गेम का मास्टरमाइंड ये रघु ही है। सोनाली, अब वक्त आ गया है कि शिकारी का शिकार हो। सर, पुणे पुलिस को भी उसकी तलाश है, किसी बच्चे को मारने के इल्जाम है। और सर, सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस बच्चे की जो माँ है वो भी मिसिंग है और उसे भी एड्स है। पुणे पुलिस से कोऑर्डिनेट करो क्विकली। इस केस से जुड़ी हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, क्या नाम बताया उस मेड का? सर, माया। माया, माया HIV पॉजिटिव थी और प्रमिला के हिसाब से वो रघु के साथ भागी। अगर रघु ही था जो बीमार लोगों को मारता था तो माया कैसे बच गई? इस केस से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब रघु के पास हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। सर, रघु की लास्ट लोकेशन का पता चल गया है। चलो। लगता है यहाँ बहुत खून खराबा हुआ है। सर, बाकी दो कमरों की हालत इससे भी बदतर है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर, मुझे नहीं लगता ये किसी एक आदमी का खून है। सोनाली, ये सारे मर्डर्स यही हुए हैं। अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिव करो, सभी थानों में रेड अलर्ट भेजो, हर जगह नाकाबंदी होनी चाहिए। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार करे, हमें उसे ढेर कर देना है। इस बार भले ही प्लानिंग उसकी होगी, लेकिन दाव हम ही जीतेंगे। मैं थक गई हूँ बहुत। थक गई है? मैं भी थक गई हूँ। मैं भी थक गया। तेरे से दिखाने दे तो तेरे को। तूने कभी प्यार से बात नहीं की, तुझको डांटा, तुझ पर चिल्लाई, मेरे माँ को भी। हमेशा से ऐसी फ्रॉक चाहिए थी ना। माँ, गुब्बारे तुझे चाहिए? हाँ। ओ भाव, हाँ? कितने का गुब्बारा? 30 रुपया। 30 रुपये? हाँ। नहीं, 12 रुपए 30 रुपए का मैम एक दे दो ना। भाव, नहीं मैम, 30 रुपए का एक है। एक दे दो। नहीं, एक 30 रुपए का है, 12 रुपए का। चल, जान दो।
चल पड़े, मैं ना तुझे बहुत सारे गुब्बारे दूंगी, ठीक है? तुझे पता है, एक चीज पता है कि तुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ठीक है सर, रघु गोकुलवाड़ी की तरफ जा रहा है। गाड़ी घुमाओ जल्दी। सोनाली कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो, हर जगह नाकाबंदी होनी चाहिए। ठीक है सर, रघु कच्चे रास्ते से बाईपास की तरफ जा रहा है। गाड़ी बाईपास की तरफ लो जल्दी। लाचार लोगों को प्यार और दवा की जरूरत थी, तू उनसे धंधा करवाता था। अरे वो लोग तो वैसे ही अपनी जिंदगी गंवाने वाले थे, और तूने तूने उन्हें जीते जी मार दिया। तब इससे मुझे बहुत फायदा होता था सर, और खतरा ना के बराबर होता था। सब कुछ फ्री में मिल जाता था, फुल प्रॉफिट, और कुछ के तो माँ बाप भी उनको भेज दिया करते थे। सब जो लड़के 10-15 हजार में मिलना चाहिए वो 2-3 हजार में मिल जाती थी। और लड़के उनका क्या करता था? सबकी अपनी डिमांड होती है सब, सब बिकते, सबकी अलग अलग शौक है सब। फिर माता क्यों था उन्हें? सब हम लोग उनसे पेन किलर देके काम करवाया करते थे। मतलब जब तक वो तेरे काम आते थे तो उनका पूरा इस्तेमाल करता था, और जैसे ही हालत बिगड़ी खत्म। इस घिनौने अपराध के लिए रघु जैसे लोग जितने जिम्मेदार हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार इन लाचार और बेबस लोगों के परिवार हैं, जिन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों का महज चंद रुपयों के लिए सौदा कर दिया। तू जानता है तूने क्या किया है? तूने उन बीमारों को तो मार दिया, लेकिन उनके जरिए कई और लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। उन बीमार लोगों के साथ जो लोग सोए होंगे, आज उनमें से कईयों को HIV और एड्स हो गया होगा, और आज वो लोग समाज में ये बीमारी फैला के और कई लोगों को अपने साथ मौत के मुंह में घसीट के लेके जाएंगे। कितने लोगों को मारा अभी तक? 10-12 लोग था। और शंकर, शंकर कैसे मिला तुझे? शंकर मेरा पड़ोसी था साहब, काशी मीरा में। मेरे को मालूम था उसका बच्चा पागल है और उसको इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। मेरा एक दोस्त है उसका आग का भट्टी है साहब, अपने शंकर को बहुत पैसा ऑफर किया। उसका काम बस इतना ही था कि उसको लाशों को भट्टी में ठिकाने लगाना था बस। पेट भर के पैसा दिया साहब मैंने उसको, पर भट्टी बंद हो जाने के बाद पैसे के लालच में उसने मेरे को बताया नहीं और लाशों को इधर उधर फेंकने लगा, जिससे आप लोगों को भनक लग गई। और उसके बाद तूने उसको भी मार दिया ताकि तुझ तक कोई ना पहुंच सके। इस वजह से तो मैं उसको मारना चाहता ही था, पर वो साला मेरे को ब्लैकमेल करने लगा। चल पैसा निकाल। आइको रे, पूरा पैसा दिया था ना तेरे को। ये सयाने, तेरे को भी मालूम है मर्डर तूने किया है मैंने नहीं, अपन खाली लाशों को ठिकाने लगाया है। और एक बात ध्यान रखना, अगर अपन का मुंह खुला ना। सब कहने लगा कि पुलिस को उस पे शक हो चुका है, वो ये शहर छोड़ के जाना चाहता था, पर साहब उसको ये नहीं मालूम था जब मैं अपने मतलब के लिए 10-12 लोगों को अपने रास्ते साफ कर सकता हूँ तो वो चीज क्या है। और माया, उसे भी बेचने के लिए लाया होगा ना, तो बच कैसे गई?
ये वो वाला नहीं वो ये कितने का है? ये 20 रुपए का। 20 रुपए का? हाँ। ये 15 रुपए का। अरे जोर सर, वही औरत है जो आशीम सुरा का भागी है, पकड़िए सर, यही औरत है। ए, मेरा आशीम सुरा का भागी है ना तू? तू वही है ना? सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें ये वही औरत है जिसका रेड अलर्ट लगा था शिवाजी नगर पुलिस थाने में? मुझे क्यों? आज चलो लेके चलो पुलिस थाने में। चलो माजी मुलगी कुछ है? मेरी बच्चे कहाँ है? माया, माया, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और हम जानते हैं कि तुम्हारी बच्ची HIV पॉजिटिव है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार तुम्हारी बच्ची का पूरा इलाज मुफ्त में करवाएगी। इलाज? सर, बच्ची की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, लास्ट स्टेज चल रहा है। बच्ची की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, लास्ट स्टेज चल रहा है। शायद दवाओं का भी कुछ असर नहीं होगा। उसके बाद मैंने तरला मैडम के सारे पैसे लौटा दिए। डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया तो मैं उन पैसों का क्या करती? तुम रघु से कैसे मिली? दवा खाने प्रमिला की जरी, वो एक दिन मुझसे मिलने आया। बहुत अजीब लग रहा माया तेरे को ऐसा देख के। अरे तेरे पास खाने का पैसा नहीं, दवा किधर से लेगी बच्चे के लिए? देख मैं क्या बोलता हूँ, मेरे साथ अपनी बेटी को लेकर शहर चल। देख अपना बच्ची को देख रहे पापा, मैं चाहता ये दुनिया देखे, खुश रहेगी उधर। सोच माया, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे किस दलदल में धकेला था रघु ने। मैं किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, इसलिए मैं रघु के लोगों के साथ सोना शुरू कर दी। और उसी समय मुझे पता चला कि मेरे बेटी को भी एड्स है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कर पाते मैं रघु के वहां से भाग आई। लोगों के घर में काम करने के बाद चोरियां करने लगी। मेरी बच्ची से आज मौत के मुंह में आए। अच्छा माया, तुम्हें सबसे पहले कब और कैसे ये पता चला कि तुम HIV पॉजिटिव हो? शायद मेरे ससुराल वालों को लड़का चाहिए था, इसलिए मेरे बच्ची की लिंग जांच करने के लिए उन्होंने मुझे दवा खाना लेके गए। वही किसी के इस्तेमाल किए हुए सुई से मुझे और मेरी बच्ची को ये बीमारी लग गई। हम तुम्हारी मजबूरी को समझ सकते हैं, लेकिन तुमने प्राजक्ता की बच्ची कीर्ति को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने उसे नहीं मारा साहब। चलो मैं तुम्हारी स्माइल प्लेन से ढूंढ कर लाती हूँ। चलो तुम्हें सिखाती हूँ हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं। वो मेरी बच्ची जैसी है, मैं उसे क्यों मारूंगी सर? रघु के साथ साथ इस गिरोह में काम कर रहे हर शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर 22 लोगों को इस गिरोह से आजाद करवाया गया और अब सरकार द्वारा उनका इलाज चल रहा है। ये कहानी सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं है, ये उन सब के लिए एक सबक और हम सब के लिए एक सीख है कि गलत रास्ते की मंजिल गलत ही होती है। एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कुकर्म में भागीदार बना। अगर शंकर ने जरा सी हिम्मत दिखाई होती तो न जाने कितनी जाने बच सकती थी।
लेकिन स्वार्थ के आगे उसने इन सब मासूमों की बलि चढ़ने दी। लेकिन गुनाह के रास्ते पर चलते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि ये रास्ता कुछ पल की खुशी तो देता है लेकिन सही मंजिल तक कभी नहीं ले जाता। पाप की कमाई हाथ तो आती है लेकिन काम नहीं आती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।